हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल दैट इज अचीव आईएएस। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपने बहुत बार सुनी होगी, और इनफैक्ट जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो या किसी भी गोल के लिए प्रिपेयर करते हो या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको बहुत बंदे आते हैं कि बहुत सारी एडवाइसेस मिलती हैं आपको। तो हर एक बंदा अपना ओपिनियन देता है, अपनी 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 थिंकिंग बताता है और उसका नज़रिया बताता है कि कैसे चीज़ों को डील करना चाहिए। तो उन बंदों में से मैं भी हूँ आज, जो आज आपको ज्ञान बांटने आया हूँ। तो आप चाहते हो मेरी बात सुनना तो सुन सकते हो, लेकिन मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बात आज मैं सामने आपके रखूँगा ये थोड़ी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जो अदर पीपल आपको बोलने आते हैं। तो दोस्तों, बात सीधा मुद्दे पे आते हैं कि बात आज हम क्या करेंगे। बात आज करेंगे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। तो बहुत सारे जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। अभी शायद मैं सही हूँ इस बात को कहने में कि आप जब कोई गोल को प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो जब आपको कोई बंदा आके बोलता है यार पॉजिटिव रह, यार एनर्जाइज रह, या मोटिवेटेड रह, या तू अपने पॉजिटिव नज़रिए से देख, तो आप एक तरह से पक चुके हो सकते हो इस बात से कि हाँ ये बंदा मुझे मतलब ये हमारी फीलिंग होती है कि कहना इजी है, लेकिन जब जब बंदे पे खुद पे बीतती है तो पता चलता है कि क्या होता है। तो ये फीलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है, जो बंदे हैं वो ये चीज़ फील करते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा तो आएगा, वो तो अपना ओपिनियन दे के जाएगा ही जाएगा। और अगर आप नेगेटिव हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला बंदा रॉन्ग है। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अगर आप लो फील कर रहे हो, अगर आप अपने आप खुद में एनर्जी कम फील कर रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर सामने वाला बंदा आपको भी पॉजिटिव रहने को बोलता है। लेकिन इशू यहाँ पे तब आता है कि जब हमें पता, जब सामने वाला बोल के तो चला जाता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे पॉजिटिव रहें, हम कैसे अपने आप को खुद को पॉजिटिव रखें, हम अपना नज़रिया कैसे बदलें। जब हमें चीज़ें सामने क्लियर हैं तो हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकें। तो ये जो बहुत बड़ा डाउट है, तो इस डाउट को मैं आज क्लियर करने लगा हूँ फॉर द रीज़न के ताकि आप कुछ इस चीज़ से बेनिफिट ले सको। तो बात आज होगी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में। तो सिंपल बात है दोस्तों, बात स्टार्ट होती है पॉजिटिविटी से कि पॉजिटिविटी क्या है। पॉजिटिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे बोलते हैं कि डिफाइन करने का तरीका है कि पॉजिटिविटी होती है आपकी एक नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, एक नेगेटिव सिचुएशन में उस नज़रिए से देखना जिस नज़रिए से सभी नहीं देख पाते, और अपने आप को मोटिवेटेड रखना। तो ये मोस्टली डेफिनेशन होती है पॉजिटिविटी की। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि पॉजिटिविटी है, अगर आप कहते हो कि ये पॉजिटिविटी है, तो इसका कोई ऑपोजिट भी होगा, तो वो ऑपोजिट है नेगेटिविटी। तो बहुत सारे बंदे आपको बोलते हैं पॉजिटिविटी को फॉलो करो, पॉजिटिविटी को अपनाओ, नेगेटिविटी को छोड़ो और नेगेटिविटी से भागो और पॉजिटिविटी के पास आओ। तो ये चीज़ें आपको अक्सर सुनने को मिलती होंगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आपका माइंड है। तो आपको अगर मैं बताऊं, बिल्कुल रूट में जाऊं, थोड़ा कंसेप्चुअल होके बात करते हैं, तो माइंड में क्या चलते हैं, हमारे थॉट्स। तो ये थॉट्स क्या होते हैं, हमारे सोचने का तरीका। तो कहाँ से ये थॉट्स आते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा साइंस से अवेयर हो तो आपको पता होगा कि कोई भी मैटर है वो केमिकल्स का बना हुआ है। कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो केमिकल्स के कम्बिनेशन से बनी हुई है। कुछ केमिकल्स इस तरह से कंबाइन हो गए कि वो ऑर्गेनिज्म्स बन गए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बन गए। कुछ इस तरह से कंबाइन हुए कि वो इनऑर्गेनिक हो गए, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपका माइंड भी क्या है, आपकी बॉडी भी क्या है, केमिकल्स से बनी हुई है। अब जब आपकी बॉडी, जो माइंड है, वो केमिकल्स से बना हुआ है, तो केमिकल्स क्या करते हैं, खुद में रिएक्ट करते हैं, और कुछ रिएक्शन होते हैं जो आपके माइंड को क्या फील करवाते हैं, पॉजिटिविटी फील करवाते हैं। जैसे आप सपोज करो, आप मॉर्निंग वॉक करके आए या आपने वर्कआउट किया, तो आप थोड़ा अपने आप को लाइट फील करते हो, हाँ कि हाँ मैंने कुछ किया है आज, और आप फील करते हो कि मैंने
मैंने कुछ अच्छी चीज़ की है, बिकॉज आपके माइंड में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको आराम महसूस करवाते हैं, आपको पीस महसूस करवाते हैं, आपको मोटिवेट, आपको एक तरह से पॉजिटिव फील करवाते हैं। तो इस बात को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही बात है जिस पे आज मैं बात करूँगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं, इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं कि वो बंदों को ये बोलते हैं कि अपनी नेगेटिविटी को पीछे हटाओ। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्या होती है, शुरू होती है। आपको बोला जाता है कि जी नेगेटिविटी हटाओ, नेगेटिविटी नहीं लानी, नेगेटिविटी बुरी चीज़ है, नेगेटिविटी वैल्यू नहीं की जाती, नेगेटिविटी से रिजल्ट नहीं आते, नेगेटिविटी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है, नेगेटिविटी आपको अवॉइड करनी चाहिए। मतलब हर कोई आपको क्या बोलता है कि पॉजिटिविटी के पीछे भागो और नेगेटिविटी से भागो। तो यहाँ पे जब ये चीज़ स्टार्ट होती है, आप पॉजिटिविटी के पीछे भागते हो और नेगेटिविटी से भागते हो, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अब मान लो आप वीडियो सुन रहे हो, अगर आप पहले इस वीडियो के लो फील कर रहे थे या अब भी लो फील कर रहे हो, तो आप क्यों करते हो? बिकॉज आप खुद को नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या चाहता हूं। आपको बोल दिया जाता है कि देखिए नेगेटिविटी बुरी चीज है, नेगेटिविटी से हमें भागना चाहिए, नेगेटिविटी हमारी लाइफ से इरेज हो जानी चाहिए। तो बात क्या होनी चाहिए हमारे लाइफ में, बस पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, आप जब भागना शुरू करते हो तो आप चीज से डरने लगते हो। आपको जब नेगेटिविटी आती है तो आप क्या करते हो, अपने माइंड आप बोलते हो कि मुझे नेगेटिव नहीं होना, मुझे ऐसे नहीं करना, बिकॉज आपको सिखाया गया है कि आपको ऐसे नहीं करना, नेगेटिविटी के पास नहीं जाना। आप भागने की कोशिश करते हो, अपने माइंड को बदलने की कोशिश करते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स किससे बनते हैं, वो भी माइंड में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो आपको नर्वस फील करवाते हैं या सिचुएशन में एक तरह से पेसिमिस्टिक फील करवाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कोई नर्वसनेस वाली सिचुएशन हो और उस नर्वसनेस वाली सिचुएशन में आप हंस रहे हो तो कैसा लगेगा? तो ऑब्वियसली ये लगेगा ना कि ये बंदा पागल है। या आप नर्वस फील कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले बंदे को नहीं लग रहा कि ये इतनी नर्वस होने वाली सिचुएशन है, बट आपको लग रहा है, तो वो आपकी बॉडी है ना। आप किसी की डेफिनेशन पे क्यों जाते हो कि इस सिचुएशन में नर्वस नहीं होना चाहिए? भाई क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे होता है नर्वस फील, तो सामने वाला बंदा कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि मुझे कैसी सिचुएशन में नर्वस होना है और कैसी में नहीं होना? हर एक का अपना माइंड जो है वो अपने तरीके से काम करता है। तो देखिए, ये जो नर्वसनेस है ये नेचुरल है। कोई भी सिचुएशन, आप मुझे बात बताओ, आप जंगल में जाते हो, आप फॉरेस्ट में जाते हो, अगर आप वहां पे अंदर चले जाओ तो वहां पे जाके बोलोगे कि मुझे बिना प्रिपरेशन के चले जाओगे और आप बोलोगे कि मैं तो पॉजिटिव रहूंगा और आप बोलोगे कि मुझे शेर नहीं खा सकता, तो क्या आपके बोलने से कि मुझे शेर नहीं खा सकता तो आपको वो नहीं खाएगा? तो ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये स्टूपिडिटी है। दिस इज इन वेरी सिंपल टर्म्स इसको स्टूपिडिटी बोलते हैं। अगर आपको पता है कि ये नेगेटिव सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम हो सकती है या मैं इस चीज को फेस कर सकता हूँ, देन आपको क्यों ना नर्वसनेस फील हो, क्यों आप दुनिया की डेफिनेशंस को फॉलो करो? तो ये बात मैं आज करना चाहता था, सॉरी ये एकदम से लाइन हो गई। तो ये बात जो मैं आज करना चाहता था, यही बात थी कि क्या हम लोगों के इशारों पे चलते हैं? तो यस, हम लोगों के इशारों पे चलते हैं। आज जो है, आज सिचुएशन ऐसी चल रही है, सॉरी बैटरी लो है, जस्ट आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसको ऑन लगा देता हूँ चार्ज पे, जस्ट 2 मिनट्स। तो लोग आपको बोलते हैं कि आपको नेगेटिव नहीं होना, आपको पॉजिटिव रहना है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप उस वर्ल्ड में जी रहे हो जिस वर्ल्ड में ये जो मोटिवेशन है ना, ये बातें जो मोटिवेशन वाली है, पॉजिटिविटी वाली है, ये लोगों का बिजनेस बन चुका है। आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी बिजनेस मार्केट है ये। ये प्रॉब्लम है आज के मॉडर्न वर्ल्ड की कि हर चीज़ को बेचा जाता है, मोटिवेशन को भी बेचा जाने लगा है। किताबें बनती हैं मोटिवेशन पे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आपको हर चीज़ को देखना है कि कैसे मुझे इस चीज़ को खुद पर इम्प्लीमेंट करना है या मेरे में
जो कुछ चीजें आ रही हैं तो वो क्या मैं खुद लेके आ रहा हूँ या वो नेचुरल है, वो क्या मेरी मेरी अंदर इंस्टिंक्ट है या वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीजें नेचुरल हैं। तो ये जो मोटिवेशन वाला बिजनेस है, आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो चार्ज करते हैं और इनफैक्ट कंपनीज बुलाती हैं उनको स्पीच देने के लिए, तो ये जो सारी चीज है ये बहुत बड़ी दोस्तों मार्केट है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि खुद को पहचानो, कोई और डिफाइन करे कि कैसे रहना है वो कर, वो उसके बजाय आप खुद को देखो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपको बस बोला जाता है ना कि ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज अच्छी है, पॉजिटिविटी अच्छी है, नेगेटिविटी बुरी है, तो आप जब नेगेटिव होते हो ना तो आप जब नेगेटिविटी से भागते हो क्योंकि आपको सिखाया जाता है, तो नेगेटिविटी से जब आप भागना शुरू करते हो ना लेकिन आप भाग नहीं पाते क्योंकि अंदर ही अंदर आपके फीलिंग होती है नेगेटिव, वो उसको आप दबा नहीं सकते, आप बस अपने माइंड को ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, वो एक सुपरफिशियल चीज है जो अपने माइंड को आप बोल रहे हो लेकिन डीप इनसाइड योर थॉट्स आपके मन में नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो जब आप उस चीज से भागते हो लेकिन वो जाती नहीं है और अंदर वो घुस के बैठी हुई है, तो आप क्या करते हो, दुनिया की डेफिनेशन को जब देखते हो कि पॉजिटिविटी अच्छी है और नेगेटिविटी बुरी है, आप उस नेगेटिविटी को बुरी देखते हुए खुद को बुरा समझने लगते हो, खुद को समझते हो कि मैं बुरा हूं, मेरे में नेगेटिविटी है इसलिए मैं वर्ल्ड की नजर में फिट नहीं हूं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन ये फील करने लगते हैं कि हाँ ये डेफिनेशन लोगों ने दे दी और अगर मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा तो मैं लोगों की नज़र में पॉजिटिव नहीं हूं, तो और मैं लोगों की नज़र में अच्छा नहीं हूं, और यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है एलियनेशन की। आप खुद से एलियनेट होने लगते हो, आपको लगता है कि यार मैं किसी वर्थ का नहीं हूं, जब मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, जब मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं क्या कंट्रोल करूंगा। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि देखिए आपका माइंड है वो केमिकल रिएक्शन से काम करता है, आपके थॉट्स केमिकल रिएक्शन से काम करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अगर मैं नेगेटिव हूं तो वो नेचुरल है, अगर मैं नेगेटिव किसी सिचुएशन में हूं, अगर वो नर्वसनेस वाली सिचुएशन है तो मुझे नेगेटिविटी फील होगी ना, मैं कैसे नहीं फील करूं कि नेगेटिविटी नहीं होगी। तो अगर आप उस चीज से भागना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आप नहीं भाग पाओगे, तो ये चीज नेचुरल है। तो अब बात आती है कंक्लूजन की कि अपने आप को कैसे ठीक रखें, अपने आप को कैसे समझाएं कि ये बात ठीक है। देखिए आप सबसे बड़ी बात है कि कैसे आप जब सोल्यूशन ढूंढने लगते हो कि कैसे करें, क्योंकि किसी भी चीज का एक जो मंत्र है वो नहीं होता, जो ये जो एक मंत्र बोला जाता है कि हाँ आपको मैंने ये जड़ी बूटी दे दी या ये जो नुस्खा दे दिया और आप उसको फॉलो करोगे और सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। सिंपल बात है, जैसे आप हो आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप भाई नेगेटिव भी हो, अगर आप नेगेटिव हो तो खुद के लिए हो ना, कोई आपके बिल तो नहीं पे कर रहा ना, कोई आपको ये तो नहीं बोल रहा कि आपके नेगेटिव होने की वजह से मैं ऐसा हूं। तो सिंपल है, अगर आप नेगेटिव भी हो, अगर आपको कोई सिचुएशन में नर्वस फील होता है या आप नर्वस फील करते हो तो वो आपका खुद का सिस्टम है, किसी को उस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, और किसी की डेफिनेशन अपने पे अप्लाई करनी छोड़ दो। मैं आज से बोलता हूं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स हैं, जो कुछ भी छपता है उसको अपने नजरिए से देखो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो, जो आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है वो एक्सेप्ट करो, अगर आपको लगता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती तो नहीं करो उसको एक्सेप्ट। मैं ये नहीं बोलता कि अपनी पर्सनैलिटी में से बुरी चीजें निकालो, लेकिन बुरा और अच्छा क्या है इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसको एक बंदा डिफाइन करे कि पॉजिटिविटी अच्छी है और नेगेटिविटी बुरी है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आप अपने हिसाब से देखो, आप अपने माइंड को देखो, आप नेचुरल एक नेचुरल ऑर्गेनिक जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके नज़रिए से देखो, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिविटी है इससे भागो मत, आपका ही ये पार्ट है। अगर आप पॉजिटिव फील करते हो, हर टाइम आप पॉजिटिव नहीं फील करते, हर टाइम आप नेगेटिविटी नहीं फील करते, कई बार आपको अच्छा लगता है कई बार आपको बुरा लगता है, तो पॉजिटिविटी भी आपका पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने पॉजिटिव रह के कुछ चीज़ें की हैं। आज अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, किसी माध्यम से सुन रहे हो, कुछ भी है, आप इस काबिल हो कि आप सुन रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं,
है, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने अगर पहले शुरुआत में अगर माँ बाप आपके बोलना शुरू करते हैं, आपको बोल जब आप बोलना लैंग्वेज सीखनी शुरू करते हैं, जब सुनना शुरू करते हैं, शुरुआत में आपको समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आपको उनकी बातें समझ आने लगती हैं, तो आप मुझे सुन सकते हो, मुझे समझ सकते हो। तो ये भी अपने आप में एक आपने अंदर आपकी एक करेज था कि आपने सीखा, और आज आप सीख के उस चीज को देख रहे हो और आज आप उस चीज को यूज कर रहे हो। हालांकि ये डिफरेंट बात है कि कई लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, कई लोग नहीं एक्नॉलेज करते। बात सिंपल है, एक बात पे खत्म होती है, एक्नॉलेज इट। जो भी है मानो, अगर नेगेटिविटी है तो मान लो यार, क्या हो गया? किसी ने आपको अवार्ड देना है खुद के लिए हो तो क्या हो गया? कोई बंदा आपके बिल पे कर रहा है, मुझे बताओ, कोई आपकी जिम्मेवारी ले रहा है? अगर आप नेगेटिव हो, आप लोगों की नजर में तमाशा बनते हो। अगर आप पॉजिटिव हो तो लोगों की नजर में फुकरे बनते हो। लोग तो हर किसी को डिफाइन कर देंगे भाई, हर किसी को डिफाइन कर देंगे। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ना आपको ये देखना है कि कौन सी चीज अच्छी है, ना आपको ये देखना है कि कौन सी चीज बुरी है। तो जो भी चीज है उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो, उन थॉट्स को फील करो। अगर आप फील करोगे और मानोगे कि हाँ यार, ये चीज नेचुरल है, अगर मैं जंगल में जाता हूँ, फॉरेस्ट में जाता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे शेर खा सकता है, तो ये चीज मेरे अंदर नेचुरल है, इसमें कोई ऐसा तो बुरी चीज और अच्छी चीज नहीं है। बस बात ये है कि मुझे पहचानना है कि मेरी नजर में क्या बुरा और अच्छा है। तो खुद को लोगों की तरह डिफाइन ना करवाओ, खुद को अपनी डेफिनेशन पे, अपनी थिंकिंग पे डिफाइन करवाओ। तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं जो फेस करता हूँ, जो प्रेपरेशन करते हैं यूपीएससी की या और एग्जाम्स की, या कोई गोल अचीव करने में लगे होते हैं, वो बहुत बार इस सिचुएशन में होते हैं, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में होते हैं। तो जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, ये कब बनती है? जब आप खुद से नफरत करने लगते हो। बिकॉज डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि आपको खुद से नफरत होने लगती है, आपको अपनी क्वालिटी से, अपनी करेक्टर पे डाउट होने लगता है, आपको अपने वर्थ पे डाउट होने लगता है, और ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, तो ये बट ये बता रहा हूं कि खुद से नफरत मत करो। आप अपनी नजर में अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं जैसा हूँ अपनी नज़र में सही हूँ। तो आपको कोई आपको आप जब अपने आप को सही फील करोगे, अपना वर्थ जानोगे, तो आप कुछ भी करोगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि हाँ यही चीज़ अच्छी है और यही मिलनी चाहिए। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या वैल्यू, आप किस चीज़ आप कैसे हो, क्या जो जो आपके अंदर जो फीलिंग है, जो 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 जुनून है, वो आप जब पहचान जाओगे, तो आप सिर्फ एक चीज़ पे लिमिटेड नहीं रहोगे। आप जो भी करोगे उसको अच्छा करोगे। और सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, सिंपल बात मैं ये कहना चाहता हूँ। सक्सेस हर हर किसी के लिए अपनी डेफिनेशन है, और खुद को एक्सेप्ट करो और अपने वर्थ को पहचानो, और जो करना चाहते हो उसको फिर अच्छे से कर पाओगे। तो आज की वीडियो में यही मैं बात करना चाहता था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको अच्छा लगा कुछ इस वीडियो में, आपको कोई बातें अगर मेरी अच्छी लगी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताएंगे। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हो पूछने के लिए। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो मैं आपको मेल आईडी दे देता हूं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसकी हमारी मेल आईडी है achieveias21@gmail.com। ठीक है, ये हमारी मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये आज के बारे में था। तो आपको अगर ये अच्छी लगी तो उसको शेयर भी जरूर करना, और आप हमारा हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।